रामपुर कलेक्ट्रेट में दिव्यांग युवक को रामपुर डीएम रविंद्र कुमार ने दी साइकिल मिलते ही दिव्यांग युवक का खुशी से खिला चेहरा, डीएम को किया धन्यवाद। डीएम कार्यालय में फरियाद लेकर पहुंचा था दिव्यांग युवक, डीएम के दरबार में डीएम ने किया तुरंत समाधान। रामपुर डीएम दिव्यांगों के लिए कर रही है हर संभव मदद। रामपुर से नाजिया खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? वीरपाल। हाँ वीरपाल, आज डीएम साहब ने आपको साइकिल दी है, क्या कहेंगे? हमारी पेंशन होनी चाहिए सर। अच्छा, और हम चाहते हैं हमारे लिए आवाज, हमारा गांव लगता है मुरादाबाद में। अच्छा, मुरादाबाद से कोई सुनवाई नहीं हुई और कागज नहीं दिए, कागज वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, वो हमारी सुनवाई डीएम साहब ने आज कर दी। हम चाहते हैं पेंशन मिले, मकान हमारे लिए मिले सरकार से। आज क्या किया है डीएम साहब ने? आज गाड़ी दवा दी सामने। अच्छा, कह रहे थे पेंशन हो जाएगी। कितना खुश हो? बहुत खुश। जानना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इशान मलिक, मैं यहाँ प्रभारी जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी। अच्छा, ये क्या है मामला? जो ये डीएम साहब के पास आए थे, इनका घर रामपुर और मुरादाबाद बॉर्डर पे पड़ता है और इन्होंने सर से रिक्वेस्ट करा कि हमारा पेंशन बनवा दीजिए और हमें खाई साइकिल दिलवा दीजिए। तो पेंशन तो हम नहीं बनवा सकते थे यहाँ से, क्योंकि इनका रेजिडेंस मतलब मुरादाबाद में लगता है जिले में, लेकिन उन्होंने सर ने कहा कि आप तुरंत आप इनको एक वो दे दो खाई साइकिल, ताकि वो उनको जाने में कोई परेशानी ना हो, और उसके बाद आप उनसे कोऑर्डिनेट करके मुरादाबाद में अपने काउंटर पार्ट से इनकी पेंशन बनवा दीजिए और वहाँ से एक आपको कंप्लीट करने के लिए एक ट्राई साइकिल दी गई। अरे ट्राई साइकिल दी गई है तो डीएम साहब खुद आपने देख रहे? हाँ, डीएम साहब ने के पास ही कंप्लीट लेकर आए थे तो उन्होंने तुरंत मुझे कॉल करा। अच्छा, पता लगा है कि ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं, इनकी पेंशन ही मुरादाबाद से है, तो फिर डीएम साहब ने इनका सहयोग किस तरीके से किया और आगे? उन्होंने कहा कि इनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, आप दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी मुरादाबाद है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उनसे एक ले लेना और आप इनको एक दे दो, ये उधर डॉक्यूमेंटेशन कराना। आपका नाम? पर मोहम्मद ईशान मलिक, प्रभारी जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी।